तस्वीर से लेके बेडरूम के सिलेक्शन तक सुबह से 5 बार झगड़े हो चुके हैं। हाँ यार, नया घर क्या मिल गया कि सारे घर में ऐसे झगड़े हो रहे हैं जैसे हफ्ता वसूली के लिए एरिया को लेकर भाई लोग में होते हैं। पर वैसे मैं काफी खुश हूँ क्योंकि इस घर के हर खिड़की से एक नई फैमिली पर नजर रख सकते हैं और सामने ही पूजा भी और सुनील अंकल की बेडरूम विंडो है। खरीदना पड़ेगा। पता चली इधर, मैंने सुना है कि चश्मे निकाल कर सुनील अंकल बड़े रोमांटिक हो जाते हैं। स्वीटी, इन सब मामलों में तेरा दिमाग बहुत तेज चलता है। ए मीनाक्षी, इन सब मामलों में बहुत सोचती हूँ, तू भी सोचा कर, तेरा भी तेज चलेगा। अरे यार, इसको छोड़ो और घर के डेकोरेशन की सोचो। सारे घर में सामान ऐसे बिखरा पड़ा है जैसे कि झोपड़पट्टी में खैरनाथ की गैंग तोड़फोड़ करके गई हो। अगर दादी का दीदी होती तो इस मामले में हमें जरूर एडवाइस करती। पर जब तक राधिका दीदी अपने स्टडी टूर से वापस आए, हम अपने घर को फिल्म सेट की तरह बिखरा तो नहीं रख सकते हैं। मैं एक आइडिया दूं? दे, लेकिन सीरियस आइडिया देना, कॉमेडी मत करना। ओके, क्यों ना हम एक इंटीरियर डेकोरेटर अपॉइंट कर ले। हाँ यार, आइडिया तो ब्यूटीफुल है, लेकिन हमें क्यों नहीं सूझा? क्योंकि ब्यूटीफुल लोगों को ब्यूटीफुल आइडिया आते हैं। मेरी नजर में एक सुंदर, सस्ता और टिकाऊ इंटीरियर डेकोरेटर है। छोटी, अपुन को लगता है कि तू बहुत जल्द येलो पेज सर्विस शुरू कर देने वाली है। तुझे इन सब के पते कहाँ से मिल जाते हैं? यूं सब जो भक्तों को भगवान मिल ही जाता है। एक्चुअली वो मल्होत्रा अंकल की बीवी का बॉयफ्रेंड है। लो कर लो बात, आजकल तो लोगों के बीवियों के भी बॉयफ्रेंड होने लगे। हम कबारे मर गई थी क्या? क्यों मीनाक्षी? लेकिन छोटी, मल्होत्रा अंकल की बीवी तो बहुत शरीफ लगती है। मीनाक्षी, क्या शरीफों को दिल लगाने का हक नहीं है क्या? स्टूपिड। छोटी तू मुझे ये बता, तुझे कैसे पता चला? जब मैं रंगीला पिक्चर देख रही थी ना, उन दोनों को रंगे हाथों पकड़े था। अंकल का प्लीज प्लीज किसी को मत बताना, और अगर मेरे लायक कुछ काम हो तो मैं तुम्हें डिस्काउंट में कर दूंगा। यानी अब उनको इंटीरियर डेकोरेटर मुफ्त में मिल रहा है। छोटी कब बुलाती उसको? अभी फोन करती हूँ। ऐसा दौड़ा चले आएगा जैसे धर्मेंद्र हेमा मालिनी को गुंडे से रेस्क्यू करने का आता है। ये बिना रूट कर अंदर बैठी, ये सामान बिखरा पड़ा है, लगाएगा कौन? पता नहीं अभी क्या होने वाला है, कुछ भी नहीं आता। क्या क्या हुआ दादी? किस बात का? मम्मी और आपके लव स्टोरी में जो ट्विस्ट आया था ना, उसका क्लाइमेक्स आया कि नहीं? नहीं, नहीं। आप मम्मी को नहीं बता सके? वेरी बैड डैडी, वेरी बैड। आप अपनी बीवी को नहीं बता सके, दूसरों की बीवी बतानी पड़ जाए तो आपका क्या होगा? तू अपना मुंह बंद करेगी? वैसे ही उस औरत ने मौन व्रत रख के मेरा मूड खराब कर दिया, और उसमें तू बैक करके मेरा दिमाग मत खराब कर। और ये सामान बिखरा पड़ा है, क्यों पड़ा है? डैडी, हम लोग मल्होत्रा अंकल के बेबी के बॉयफ्रेंड की वेट कर रहे हैं। वो कौन है? छोटी ने कहा कि वो बहुत सुंदर, सस्ता, टिकाऊ इंटीरियर डेकोरेटर है। इंटीरियर डेकोरेटर? तुम लोगों ने इंटीरियर डेकोरेटर को बुला लिया मुझे पूछे बिना? क्यों? इसमें पूछने की कौन सी बात है डैडी? पूछने की बात नहीं है? नहीं, लोगों की बेटियां डैडी से पूछे बिना घर बसा लेती है। हम लोग ने तो सिर्फ इंटीरियर डेकोरेटर को बुलाया है। शूजनी, क्या आप ही आनंद मधुर है? हाँ जी, लेकिन सिद्धाजी आपकी तारीफ। और तारीफ तो उस खुदा की जिसने ये पूरा जहां बनाया। वैसे बंदे को खुशवंशी चड्ढा कहते हैं। चड्ढा कहते हैं? हाँ जी। अच्छा कहते हैं, लेकिन इसका मतलब है कि आप पगड़ी वाले चड्ढा है। बस आप बोलिए, आप मेरे साथ बोलिए, बोलिए। मुझे आपकी छोटी लड़की ने यहाँ बुलाया था, वो कोई दिखाई नहीं दे रही है कहाँ? तो आखिर आप आ ही गए, पर इतनी देर क्यों लगा दी? अरे बिटिया, जैसे ही मुझे तुम्हारा मैसेज मिला, मैंने अपनी पगड़ी बांधी और मैं घर से बाहर निकलने ही वाला था, इतने में घड़ी ने 12 बजा दिए। और तुम्हें तो मालूम है 12 बजे मुझे बड़ी टेंशन हो जाती है। कैसा टेंशन? मथुर साहब, मेरे घर में अजीब चमत्कार होने लगते हैं।
अच्छा हाँ, 12 बजते ही मेरे घर की सारी घड़ियों में एक सुई गायब हो जाती है। मैं बताऊँ सिद्धार्थ सिंह, तो मैं बताऊँ, आपके घर में जरूर कोई स्विच और भूत रहता होगा। हो सकता है, हो सकता है, मिले एक दूसरे से। और 12 बजे मेरा साला भी मर गया था। कमाल है। कैसे? एक बार गांव में किसी ने मखौल में उससे कह दिया कि गांव के टावर की घड़ी में 12 बजते ही उसका दिमाग गायब हो जाएगा। अच्छा? हाँ, बस बंदा फिर चढ़ गया टावर पे, उसने सुई पकड़ ली, कहने लगा 12 ही नहीं बजने देने। इतने में एक शराबी नीचे ब्लेड लेके जा रहा था, उसने ऊपर देखा और आवाज लगाई, ओ सरदार, ओ सरदार, ओ सरदार। आगे बोलो। ओ शरीफ, फट गया, फट गया। उसने आवाज लगाई, सरदार नीचे उतर, नहीं तो टावर ब्लेड से काट दूंगा। बंदा डर गया, उसने सुई छोड़ दी, बस वही उसके 12 बज गया। मगर सरदार जी, वो सुई का क्या हुआ? क्या बात है बाप, किसके 12 बजा रहे हो? छोटी, कौन है ये? चड्डा अंकल, हमारे घर के इंटीरियर डेकोरेटर। वो मैंने कहा था ना, मल्होत्रा की जाने मन का जाने जिगर। कैसा है बाप, रंगीला देखने के बाद दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, देखी कि नहीं? ये लड़का है कि लड़की? जन्म से लड़की है, लेकिन कर्म से लड़के से भी बदतर है। कमाल है, इसे तो हमारे गांव में पैदा होना चाहिए था। तो काम शुरू करते हैं। देखिए देखिए चड्डा साहब, क्या है, अब आप आए हैं तो ठीक है, लेकिन ये हमारा इंटीरियर डेकोरेटर का कोई बजट नहीं है। मतलब साहब, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। क्या? दरअसल ऐसा समझिए कि आपका घर मेरा घर है और आपकी बेटियां मेरी बेटियां हैं। डैडी, जस्ट बी केयरफुल, अब ये आपकी बीवी को अपनी बीवी कह देगा। चड्डा साहब, वैसे तो सब फर्नीचर है, लेकिन डेकोरेशन ऐसा करना कि जी टीवी वाले आपका इंटरव्यू लेना है। तो एक काम करो, पहले तुम सब मुझे अपना पूरा मकान दिखा दो। अच्छा, ठीक है स्वीटी, तुम अंकल को मकान दिखाओ, मैं अभी पूजा आंटी को मिलके आती हूँ। ओके ओके, हाय हाय, इस तरफ चलिए। नहीं मीनाक्षी, उस तरफ। ओ ठीक है, उधर ही चलते हैं। नहीं मीनाक्षी, मीनाक्षी वहां पहले, मेरे को एक आईडिया आया। चलिए यहां। नहीं वहां पहले जाना था, यहां जाओ। हो गया कल्याण, अब चड्डा साहब इंटीरियर डेकोरेशन करेंगे, यानी बंबई के मकानों को चंडीगढ़ का चबूतरा कर देंगे। आइए। अरे मॉम, देखो कौन आया है। कौन है? मम्मी, ये हमारे नए इंटीरियर डेकोरेटर है चड्डा अंकल, और चड्डा अंकल ये हमारी मम्मी पार्ट टू। और नमस्ते भाभी जी, नमस्ते। क्या बात है, आपकी इतनी खूबसूरत आंखें सूजी सूजी लग रही है, किसने रुलाया क्या? ओए सीधा आंखों पर पहुंच गया, ये अपुन की मॉम है, मल्होत्रा की बीवी नहीं। ओ समझ गया समझ गया, आप अपने पति से रूठ के बैठी हुई है। आपको कैसे पता? कमाल है, 30 years का एक्सपीरियंस है। जब भी नए मकान की शिफ्टिंग होती है तो फोटो फ्रेम से लेकर फ्लावर पार्ट जैसी छोटी छोटी चीजों में हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होता है। अच्छा? फिर वो महीनों आपस में बातें नहीं करते। अब वैसे भाभी जी, आपको यहाँ रूठे रहने में ये कमरा जरा कंफर्टेबल लगता है? क्यों? मेरा मतलब है, अगर आपको ये कमरा कंफर्टेबल लगता है तो हम इसे कोप भवन बना लेते हैं। सुनो, एक काम करते, लिखो। ओके। इस कमरे की सारी दीवारों पे काला पेंट होना चाहिए। ओके। और इसके जितने पर्दे हैं ये भी सब काले होने चाहिए। एक और काम करते हैं, बाहर एक बत्ती लगा देते हैं। वो भी काली? वो काली बत्ती नहीं, वो है लाल लाइट लगा देते हैं। इस कमरे में आना खतरे से खाली नहीं है। अरे लड़की कितनी इंटेलिजेंट है तेरे जैसी। वैसे भाभी जी, टेक योर ओन स्वीट टाइम, आप रूठे रहिए, वैसे भी इस कमरे को काला करते करते 2-4 दिन तो लगी जाएंगे। यू टेक योर ओन स्वीट टाइम, तब तक हम चलते हैं। चलो 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 चलो। मेरे ख्याल से ये दरवाजे पे एक बड़ी तख्ती लगाई जाए। तख्ती? आज तख्ती मेरा मतलब है, उसमें हम लिखेंगे नीले अक्षरों से, बुरी नजर वाले तू 100 साल जिए, और जब तक तू जिए तेरे बच्चे तेरा खून पिए। हमारे घर में कोई बुरी नजर नहीं डालेगा। नहीं, पर हमारे घर में कोई नजर नहीं।
दादाजी आप इधर आओ। आओ। आप बताओ कि इस सामान का करना क्या है? और ये बताइए कि कौन सी चीज नई खरीदनी है? नया कुछ नहीं खरीदना, नया कुछ नहीं खरीदना। ओ भाई साहब, यहाँ इंटीरियर डेकोरेटर है कौन? मैं कि आप? यहाँ पैसा खर्चने वाला कौन है? मैं है आप? वो एक को एक काम तो तुहानू करना है, बाकी तो सब मेरे को करना है। हाँ। और बेटी तू एक काम कर, एक गिलास ठंडे पानी का लेके आ, तो मैं अपना काम शुरू कर दूँ। बाद में देना है वो, अभी दे दे, दे। हाँ, मैं अभी लेके आती हूँ। स्वीटी, सरदार का तमाशा देखना है। काजल तो मुझे वापस कंफ्यूज कर रही है। मैंने सुना है कि सरदार जी लोग सिर्फ भांगड़ा करते हैं, ये तमाशा कब से करने लग गए? तो देखना, वो देख पानी आ रहा है। ये लीजिए अंकल। हाँ ठीक है। चड्डा अंकल, आपकी घड़ी में कितने बजे हैं? शुरू हो गया इनका खेल, जरा संभल के चड्डू चड्डी चड्डा जी। अरे क्या मजाक लगा रहा है तुम लोगों ने, इनके पूरे कपड़े गीले हो गए, ये बाहर कैसे जा सकते? नहीं डैड, अपन स्वीटी को चड्डा अंकल का आईक्यू लेवल दिखा रहा था। वो तो ठीक है, लेकिन मेरे कपड़े सारे गीले हुए, मेरे सारे पैसे भी गीले हुए। ये क्या, दोनों जेब में एक एक टिकट? अब कमाल है, देखो जब हम बाहर ट्रेवल करते हैं तो जेब कतरे ने एक जेब काट ली तो टीसी को दिखाने के लिए दूसरी जेब में से टिकट तो दिखा सकते हैं। मानो चड्डा अंकल से आपकी दोनों जेब कट गई तो? अरे इतने भी बुद्धू नहीं है हम, ऊपर की जेब में पांच भी रखते हैं। चड्डा अंकल यार जीनियस। देखो स्वीटी ने भी तुम्हें मान लिया। अजी ये तो कुछ भी नहीं है, अमेरिका की नासा स्पेस लेबोरेटरी में मेरी फोटो टंगी है। क्यों? उनका रॉकेट लास्ट मोमेंट पे उड़ने से इनकार कर बैठा, सारे साइंटिस्ट सोच सोच के थक गए, मैंने 30 सेकंड में उनका प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। कैसे? वेरी सिंपल, मैंने उन्हें कहा कि रॉकेट को 30 डिग्री इंजन की तरफ झुकाओ, बाद में सीधा कर दो, बटन दबाओ, रॉकेट उड़ जाएगा। जैसा मैंने कहा बिल्कुल वैसा ही हुआ जी। लेकिन आपको ये आइडिया आया कैसे? कमाल है, अरे हिंदुस्तानी जानता है, जब उसका स्कूटर चालू नहीं होता तो 30 डिग्री इंजन को अपनी तरफ झुकाता है, फिर सीधा करता है, फिर किक मारता है, चालू हो जाता है। अरे जब हमारे आइडिया से हिंदुस्तानी स्कूटर चालू हो सकता है तो अमेरिकी रॉकेट तो उड़ेगा ही ना भाई। सरदार जी, फिर आप हिंदुस्तान वापस क्यों आए? हिंदुस्तान वो जी देवानंद और पंकज उदास की वजह से। हाँ, मतलब ये कि देवानंद की देश प्रदेश पिक्चर देख के कुछ मन हिल गया, और फिर पंकज उदास ने चिट्ठी आई है गाना गाकर जी बहुत बड़ी बात कही कि आजा अपने भी घर में है रोटी, बस चले आए मक्के की रोटी और सरसों का साग खाने और लोगों के घर से जाने। वाह चड्डा जी, क्या नेक ख्याल है आपके, स्वीटी में और आप में कोई फर्क नहीं। और थैंक यू जी, थैंक यू। अब आप लोग एकदम आराम से बैठ जाइए, मैं इस पुराने सामान को देखकर क्या सामान काम में आ सकता है ले लेता हूँ और नए सामान की लिस्ट बना देता हूँ। ओके। वाह जी वाह, हॉल तो बिल्कुल चंगा चंगा बन गया और डाइनिंग टेबल भी सेट हो गई, वो कमाल का सेटिंग कर दिया तूने चड्डा यार, कमाल है, वाह बड़ा चंगा लग रहा है। हैं? और ये खराब सी तस्वीर यहाँ किसने लगा के रखी है, समझ में नहीं आता ये लोग। देखा कैसे झेला मैंने, क्या कर रहे हो तुम? मथुर साहब मैं ये फालतू चीजों को उठा के बाहर फेंक रहा हूँ। अब मैं इसे बाहर फेंकती हूँ। दिन भर गए इसके। ये टूटा ड्रम यहाँ किसने रखा? कौन है यार? और किसने मारा? चलो कोई नहीं। यार कौन मार रहा है यार? ओ मथुर साहब, आप क्या घर में बुला के पिटवाते हो, पर मार कौन रहा है? वो क्या है सरदार जी? हाँ जी, कभी कभी गलत जगह पे हाथ डालने से मार खानी भी पड़ती है। भाई यार फिर किसने मारा, समझ में नहीं आता मार कौन रहा है। मैं क्या बताऊं अभी किसने मारा। चलो अभी भी चलो। ओए छोड़ यार, हाथ निकाल। फिर मारा, ओए कौन मार रहा है यार? मथुर साहब मुझे बचाइए। अरे इतने बरसों से मैं खुद को नहीं बचा सका, मैं तुझे क्या बचाऊंगा? प्लीज मुझे आप सकते हैं आज ही मार सकते।
ओन्ने ओन्ने चला। मिल गए सुकून, निकल गई भड़ास। अरे गुदगुदी तो उसे इतनी की कि हंस हंस के मर जाता बेचारा। क्या मिला उसे इतना मार के? चुप, बहस मत करो, मेरा दिमाग बहुत खराब है अभी। जब से यहाँ आए हैं पूरा घर मेरे तस्वीर के पीछे पड़ा है। अरे लेकिन क्या हुआ? बाद में। किस बात का हंगामा था डैडी? वो क्या है, चड्डा साहब डिस्को कर रहे हैं। डिस्को? वाओ, हमें बुलाना था ना देखने के लिए। बुलाने वाला था लेकिन वो शर्मा के भाग गए। डैड भाग गए या भगा दिए गए, ऐसे ही समझो। डैडी आपने खर्चा बचाने के लिए छोटी की सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। बेटे पानी किसने फेरा ये तो ऊपर वाला जानता है या अब। लेकिन बेटे ये घर अपना है, हमें सजाना है संवारना है, हैं? हैं? पहले मेरी बताई हुई जगह पर मुझे लटकाओ। अरे हाँ मेरी वहां गजल, जरा कील और हथौड़ी ले आना। यहाँ ठीक रहेगा। गजल कील। अरे हथौड़ा कहाँ है? काजल के हाथ में कंगन। तुम आखिर तुम्हारा गुस्सा उतर गया? हाँ मैंने बहुत सोचा सोचा। मुझे अफसोस हुआ, जो लोग नहीं रहे उनके लिए क्या झगड़ा। हाँ लेकिन जो नहीं रहे वही रहने की जिद करके झगड़ा करते हैं। क्या? नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। सरयाम मैंने तुम्हें डांटा। तुम सॉरी कहते हुए अच्छे नहीं लगते। नहीं लेकिन क्या है कि ऐसा चलो। हो गई मांडवली। मुझे पता है पहले झगड़ा